अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में हर मामले को प्रचार तंत्र के जरिए रुख को बदलने की कोशिश की जाती है। किसी तरह हिंदू मुस्लिम तफरका बढ़ता रहे, नफरत का जहर जहां पर भी मौका मिले घोल दिया जाए, इसी फिराक में फिरका परस्त रहते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हकीकत कुछ अलग ही होती है। आपको उदयपुर मामले को भी समझने की जरूरत है कि कैसे इसे अंजाम दिया गया और झूठ को बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया। किसी तरह एक समाज को ही निशाना बनाने के लिए अपने ही लोगों को इसमें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर एक समाज के खिलाफ पूरे मुल्क में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की गई। सभी जानते हैं कि उदयपुर मामला भी भाजपा और संघी विचारधारा के लोगों से ही जुड़ा हुआ नजर आया। कांग्रेस ने भी भाजपा अकलीति मोर्चा से रियाज अत्तारी और गौस अत्तारी के ताल्लुकात होने की तस्वीरें सामने लाई। खैर, इसे लेकर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस एहतजाज कर मुसलमानों को गालियां देना, भद्दी टिप्पणियां, भद्दे नारे बजरंग दल, RSS और हिंदुत्ववादियों की जानिब से की गए। भारत के तमाम मुसलमानों ने कन्हैयालाल दर्जी की निर्मम हत्या की मजम्मत की। किसी ने भी इस कत्ल की हिमायत नहीं की, ये सच्चाई है और सभी ने देखा है। लेकिन गोदी मीडिया ने बजाय मुसलमानों के इन बयानात को पॉजिटिव अंदाज में पेश करने के, कैसे कत्ल के लिए दावत इस्लामी का ही इसमें दखल है, फिर पाकिस्तान का एंगल भी ढूंढने की कोशिश की गई। खैर, अब इस मामले को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करने की जितनी भी कोशिश थी उतनी की गई, लेकिन कामयाबी यहां भी उतनी हासिल नहीं हो सकी जितनी उम्मीद नफरती गिरोह कर रहे थे। अब हुबली में हुए वास्तु के माहिर चंद्रशेखर गुरुजी के मामले को भी इसी तरह नफरत फैलाने का जरिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां भी इनकी असलियत जाहिर होने लगी। जैसे ही चंद्रशेखर गुरुजी का कत्ल हुबली के प्रेसिडेंट होटल में हुआ, कुछ न्यूज चैनलों ने इसे भी मजहबी नजरिया देते हुए नफरत परोसने की कोशिश की गई। पर इनका खेल ज्यादा देर तक इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ये लोग शाम में ही पकड़े गए। सोशल मीडिया पर इस कत्ल को मुसलमान जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ कमेंट किए गए। कईयों ने तो सोशल मीडिया पर कभी टेलर के पास नाप देने के लिए या कभी पांव छूने के बहाने कत्ल को अंजाम देते हैं ये लोग, इस तरह अपना नजरिया पेश करते हुए नफरत का जहर परोसने की कोशिश की। लेकिन मुजरिम और कातिल पुलिस ने वक्त से पहले पकड़ लिया। अब तो तहकीक जारी हुई है तो इनके भी तार रामसेना, भाजपा और RSS से होने के सामने आ रहे। अब इन कातिलों की तस्वीरें मुतालिक यत्नाल और दिगर हिंदुत्ववादी लीडरों के साथ होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जब इस तरह की परत खुलती जा रही है तो गोदी मीडिया को भी सांप सूंघ जाता है। अब यह लंबी खामोशी इनके TV चैनलों में नजर आने लगी है। आपको याद होगा जब पालघर में 2 साधुओं के कत्ल को अंजाम दिया गया था तो कई महीनों तक यही दलाल चैनल वालों ने हंगामा बरपा करते हुए मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। अब जब वास्तु शास्त्री चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या खुलेआम चाकू से गोंद कर, सभी ने इस नजारे को सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से चाकू गोंद कर बेरहमी से की गई, इसके पीछे की अलग अलग कहानियां भी अब सामने आना शुरू हुआ। पहले तो इस कत्ल का भी सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसके पीछे की काली कहानियां भी बाहर आने लगी है। महंतेश्वरूर और चंद्रशेखर गुरुजी बहुत करीबी थे और महंतेश्वरूर हिंदुत्ववादी लीडरों के काफी करीबी था, लिहाजा प्रॉपर्टी को लेकर तनाजा भी बढ़ता जा रहा था। महंतेश्वरूर मंजुनाथ दामरोल और एक लड़की जिसका नाम वन साक्षी है, ये तीनों मकतूल चंद्रशेखर के बहुत ही करीबी और तमाम मिल्कियत प्रॉपर्टी के तफसीलात जितनी चंद्रशेखर को थी उतनी ही मालूमात इन तीनों को थी। कत्ल की कहानी इन्हीं तीनों के आसपास घूमती नजर आ रही। कुछ साल पहले वन साक्षी और चंद्रशेखर की शादी हुई थी, लेकिन बावजूद शादी होने के चंद्रशेखर के करीबी वन साक्षी होने की बात कही जाती है। किसी मामले को लेकर मंजुनाथ और महंतेश को चंद्रशेखर ने सरल वास्तु इदारे से बाहर कर दिया। अब क्या महज प्रॉपर्टी में गफले को लेकर ही कत्ल हुआ या फिर और भी आश्रमों की तरह गलत कामों को मंजरे आम के डर से कत्ल किया गया उसी तरह तो नहीं है, ऐसा सवालात भी अब आवाम की जानिब से खड़े किए जा रहे। लिहाजा हुबली पुलिस मुख्तलिफ वजूहात तलाशने में लगी हुई है। अब इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, पर जिस तरह पहले दिन कत्ल को लेकर मीडिया छाती पीट रही थी अब कहीं नजर नहीं आ रही। मैं किस्से के तौर पर ही बता रहा हूं, लेकिन कैसे नैरेटिव चलाया जाता है इसे समझने की जरूरत है। भारत में इससे पहले भी कई बाबाओं और मजहबी साधु बनकर बहुत सारे गलत कामों को अंजाम देने के वाकये सभी ने देखे हैं। आज भी बाबा बनकर करोड़ों रुपये तेल मंजन और न जाने क्या क्या बेचकर करोड़पति बना हुआ है। अपने आप को योग गुरु तो कहता है लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी भी है। एक और खास बात आप तवज्जो के काबिल है कि अखिल भारत अखाड़ा परिषद ने 2017 में ही हिंदू ढोंगी बाबाओं की फहरिस्त शाया की थी, जिसमें 14 से भी ज्यादा बाबाओं के नाम है, जिसमें खास तौर से गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा का मुखिया रहा, जिसको रॉकस्टार गुरु भी कहा जाता था। असमत रेजी और कत्ल मामले में
मुजरिम भी रह चुका है। आसाराम बापू, इनका भी आश्रम था, और असमत रेजी कत्ल मामले में सजा भी हुई। 3 गवाहों को गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। बापू नारायण साई, ये भी आसाराम के बेटे हैं, इन पर भी इसी तरह असमत रेजी के मामले दर्ज है। राधे मां संत, इन पर भी डाउरी हैरेसमेंट के मामले बताए जाते हैं। रामपाल स्वामी, इन पर भी कत्ल के मामले दर्ज हैं। स्वामी असीमानंद, वाजा रहे स्वामी असीमानंद साबिक आरएसएस सरगर्म कारकुन थे। इसने मुसलमानों के मजहबी मकामात को निशाना बनाने की बात अदालत में कबूल की थी। स्वामी सच्चिदानंद, इसे भी डिस्को बाबा के नाम से जाना जाता था। महामंडलेश्वर के अहम 80 लोगों की फहरिस्त में इसका नाम शुमार किया गया था, लेकिन महीने में ही इसका नाम निकाल दिया गया। ओम स्वामी, जो बिग बॉस 10 की वजह से सुर्खियों में रहे। निर्मल बाबा, जिस पर धोखाधड़ी के कई मामला इसके खिलाफ भी दर्ज हुए। टीआरपी बाबा भी कहा जाता है। खैर, और भी कभी इस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और जरूरत भी है। कहने का मतलब ये कि असल मसलों को किसी और जगह मोड़ने की आदत पहले से ही देखी जाती है। एक और मामला चंद्रशेखर गुरुजी के कत्ल के बाद सामने आ रहा है। अब क्या महज प्रॉपर्टी का ही मामला है या फिर कुछ और कहानियां भी इसके पीछे है, इसकी पुलिस तहकीक जारी है, और इसकी असलियत जरूर सामने आएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। दिगर खबरों पर भी एक नजर। ईद कुर्बान को लेकर बेलगाम पुलिस चौकन्ना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की निगरानी देखी जा रही है। खासकर इस बार कुर्बानी को लेकर बड़े जानवरों पर पाबंदी लगाते हुए सिर्फ भैंसों को जुबा करने की गाइडलाइन दी गई है। लिहाजा इस फैसले के बाद हुकूमत के खिलाफ किसानों ने भी नाराजगी का इजहार किया। इसी के मद्देनजर आज अंजुमन इस्लाम दफ्तर को जिला पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बोरलिंगैया ने मुलाकात फरमाई, और सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ से कुर्बानी के हालात पर गुफ्तगू की। अंजुमन की जानिब से डॉक्टर बोरलिंगैया, डीसीपी रविंद्र गढ़ाती और सीपीआई मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी की शालपोशी फरमाई गई। इस वक्त डॉक्टर बोरलिंगैया ने शहर के अमन को बरकरार रखने की गुजारिश की, और मुस्लिम मोहल्ले में सफाई का ख्याल रखने की भी हिदायत फरमाई गई। ईद की नमाज की जगह का भी जायजा लिया गया। इस वक्त अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे, खासकर समीउल्ला माड़ी वाले, गफूर घी वाले, अरशद मोमिन, बाबूलाल मुजावर, अशफाक गोरी, समीउल्ला मुल्ला, असलम बीजापुर, अफजल टीन वाले मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की जानिब से कॉरपोरेशन बेलगाम के सामने एहतजाज करते हुए जल्द मेयर चुनाव को अमल में लाने की मांग की, और कहा कि अगर जल्द मेयर चुनाव को अमल में न लाया गया तो कॉरपोरेशन बेलगाम को आम आदमी पार्टी की जानिब से ताला लगाया जाएगा। इस वक्त कसीर तादाद में आम आदमी पार्टी के कारकुनान जमा थे। ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಫೋಟೋಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋದ ಸಲ ಹೋಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಗೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 9 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮೇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಇಲ್ಲ, 58 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾವು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದಾರು. ಮಳೆಗಾಲ ಚಾಲು ಆಯ್ತು, ನೀರು ತುಂಬು ಚಾಲು ಆಯ್ತು, ಈಗ ಯಾರು ನೋಡ, ಅವರು 470 crore rupees ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುತ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಎದಕ್ ತಗೊಂತಾರ ಅದು, ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ವಾಗಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರು ನೋಡವ್ರು, ಯಾರ ಕೆಲಸ ಇದು, ಯಾಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೂತಿರಿ ನೀವು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಲಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಸಲಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು, ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳೋದು ಇವ್ರಿಗೆ. ಈಗ 3 ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಡಿ ಸಿ ಸರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರ ಅಂತಾರು. ಏನದ್ಯ ಇದು, ಇದೇನಾ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಯಾಕದ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಾಗ ನೀರು ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೂತು ಕಾಡ್ಯಾಗ ಕೂತು ಬರ್ತಾರು, ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಕುಂಡಿರ್ತಾರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡೋರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಾಕಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡೋರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋರಾಟ ಇದು. आज बेलगाम डीसी के सामने वर्क ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी की निर्मम हत्या के खिलाफ अपना मुजाहरा किया। हाथों में कन्हैयालाल की तख्तियां थाम कर अनोखा एहतजाज वर्क ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दर्ज किया गया।
क्या है वो ऐसे थोड़ा कमिंग है ना, यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी है। हम लोग वर्क ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो जो उदयपुर में किलिंग हुई है वो किसी रिलीजन को लेके हुई है, जिसका बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमने एक छोटा सा कंडेमनिंग एक्ट निकाला है। अस्सलामुअलैकुम, नानू वर्क ऑर्गनाइजेशन कर्नाटक वतियिंद सुमय्य अंत, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಶೇಡ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃತ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿರುಪುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೀಕ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್. ಓಕೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫರಾಜ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಂಡೆಮ್ ದಿ ಕಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಉದಯಪುರ್. It was done in a very, very insane and inhuman manner. Islam is a religion of peace. گلبرگا میں بروز بدھ بڑے پیمانے پر ایس ڈی پی آر دلت تنظیموں کی جانب سے احتجاج کر پولیس کی کارروائی کے خلاف اور جانوروں کو پکڑنے کے انتظامیہ کے عمل کی مخالفت فرمائی. کئی ایسی وارداتیں پیش آئی ہیں جس میں بڑے جانوروں اور گاڑیوں کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا. لہذا مسلمانوں کے عیدوں پر ہی پولیس کی جانب سے جان بوجھ کر ظلم کرنے کا الزام دلت مسلمانوں کی جانب سے لگایا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اس احتجاج کے کچھ مناظر. خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. دیکھتے رہیے اتحاد نیوز. شکریہ. اللہ حافظ. ಅದು ಸಬ್ಕು ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ನಾ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೆಸರು ಬಾತ್ ಕರೋ. ಅಬ್ ಹಮಿ ಅಬ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಸೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೋ ಹಮ್ ಘೇರೋ ಡಾಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜಾ ರಹೇ. ಯೇ ಜೋ ಕಾವ್ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಸ್ಕೆ ಕಾವ್ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಯಹಾ ಕಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಜೋ ಗರೀಬ್ ಲೋಗ್ ಗರೀಬ್ ಜೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೆ ಜೋ ಭೈಂಸ್ ಹೋ ಬೈಲ್ ಹೋ ಗಾಯ ಹೋ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಜೋ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಹಾಂ ಬಚ್ಚಾ ಲೋಗ ಉನ್ಕಾ ಸಬ್ ಉಠಾಕರ್ ಲೇಕರ್ ಜಾ ರಹೇ. ಯೇ ಲೋಗ ಭೈಂಸ ಬೈಲ್ ಯೇ ಗಾಯ ಯೇ ಕಾಟನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲೇಕರ್ ಆಯೇ ವೋ ಲೋಗ ಜೋ ಲೋಗ ಬೋಲ್ ಕೆ ಉನ್ಕೋ ಖೇತ್ ಮೇ ಘುಸ್ಕರ್ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಘುಸ್ಕರ್ ಯೇ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಆತೇ ವೋ ಲೋಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಜಪ್ತ್ ಕರ್ವಾ ಕೆ ಗೋಶಾಲಾ ಮೇ ಜೋ ಉನ್ಕೋ ಜಾನವರ್ ಭೇಜ್ ಕೆ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಊಪರ್ ಝೂಟಾ ಕೇಸ್ ಕರ್ವಾ ಕೆ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಜೋ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ದೇನೆ ಕೆ ಜೋ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೇ ಉನ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್
आज दलित सेना या गुलमर्ग पूरा एंटायर गुलमर्ग के बहुत सारे लोगों से और यहाँ की गुलमर्ग बहुत सारे सोशल वर्कर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे साथ जुड़कर आज ये एंटी काउंसलर एक्ट जो है इनके खिलाफ ये जो पुलिस का जो रवैया है उनके खिलाफ हमने आज बहुत बड़ा प्रोसेस लेकर पुलिस कमिश्नर कचहरी को घेराव डालने के लिए हम जा रहे हैं। आज जगत से डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। पुलिस की जो हरासमेंट है, अननेसेसरी हरासमेंट, उसके खिलाफ मैं यलसंगी साहब का और दलित सेना का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपनी एक आवाज़ पे पूरे गुलबर्गा को मुतहिद किया है। उसके साथ साथ और भी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस, एसडीपीआई, तमाम लोग इस प्रोसेशन में शामिल हैं। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नज़र नहीं आया गौ रक्षकों को, और उसके साथ साथ कॉस्ट लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम, सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो। हम लोग भी चाहते हैं, और जो गाय, जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगत सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़ कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, वही मार्केट में आती है डबल का ट्रिपल रेट में। पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है वो गौ? अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात, आप खरीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाजार में, शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू लोग अपने गाय को, अपने बछड़े को, अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज़ छीनना चाहती है, आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। हम आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज़्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन, जिससे बीफ से आता है, दूसरे मटन चिकन से आता है। लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन, हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो भी ये जो इलीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, जो इलीगल छापे हो रहे हैं, हम इसको रोकने का डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं, और दलितों और मुसलमानों के मुँह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कहावत है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते।
हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे, हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं।